दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, 10 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेकर व्यापार आरंभ किया। दूसरी एंट्री, मोहन से माल खरीदा 50,000 रुपए, श्याम को माल बेचा 60,000 रुपए का, किराया चेक द्वारा दिया 12,000 रुपए, कमीशन चेक द्वारा दिया 5,000 रुपए। इतनी एंट्री अपन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे तो अच्छे से सीख जाएगा। सबसे पहले अपन ने एक नई कंपनी बनाएंगे, अपन ये सारा क्वेश्चन एक नई कंपनी करने वाले, अल्टर एयरफोन से हम पुराने वाली कंपनी को बंद कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाएगा, चैलेंज बता रहा हूं। पुरानी कंपनी बंद कर दी अपन ने, अब सीक्वेंस करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। कंपनी का नाम लिखेंगे अपन आईसीआईसी एंड कंपनी, अपन ने पहले बनवाना टू कर लेते हैं, 3, 4, 5 कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एड्रेस नवदी सा लिख देते हैं, फिर एंटर प्रेस करेंगे, करते चलेंगे, इंडिया रहने देंगे, यहाँ मध्य प्रदेश डाल देंगे अपन, और एंटर प्रेस करते हुए चलेंगे वांगड़ी तक, और कुछ नहीं करेंगे, और पास कर लेंगे इसको अपन सेव करा। ये अपनी कंपनी बनकर तैयार हो, अब लेजर बनाएंगे अपन। लेजर के लिए शॉर्टकट की होती है ALC, अपन अब ALC प्रेस करकर और सबसे पहले लेजर बनाएंगे। बैंक से कर्ज लिया और व्यापार स्टार्ट किया है, कर्ज लेंगे तो अपन ALC प्रेस कर रहे हैं, अपन सिंगल सिंगल लेजर बनाएंगे दोबारा। तो जब अपन घर से कुछ रुपए लगाते हैं व्यापार में, तब नए माता यहाँ पर कैपिटल, क्यों घर से लाकर लगा रहे हैं, पूंजी से लाकर लगा रहे हैं, तो अपन लिखते हैं कैपिटल। इस बार अपन सवाल में बैंक से कर्ज लेकर व्यापार स्टार्ट कर, तो बैंक से कर्ज लेंगे तो यहाँ पर अब कैपिटल नहीं आएगा, अब आएगा बैंक लोन। तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं नेम में लेजर बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक लोन अकाउंट लिखा अपन ने, एंटर प्रेस करेंगे अपन, यहाँ पर अपन लिखेंगे बैंक लोन जाता है लोन लायबिलिटीज में, तो अपन एल प्रेस करेंगे और लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे कहां पर लिखा हुआ है लोन लायबिलिटी, और इसको अपन सेलेक्ट करेंगे। इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड, हमने बताया था पिछली क्लास में भी कि जब इन्वेंटरी अर्थात माल की मात्रा बढ़ेगी घटेगी तब यहां पर यस होगा, बाकी अदर लेजर में यस नहीं होगा, नो रहेगा। अब एंटर प्रेस करेंगे अपन, इंटरफेस करते चलेंगे, एड्रेस आप डाल लेना, एंट्री आप डाल लेना, इंटरफेस करके सेव कर, तब फिर डालो तो इंटरफेस करते चलेंगे और पैन नंबर सेलर नंबर डाल लें। अब अगला अपना है माल खरीदा, किससे लिया है माल अपन ने, मोहन से माल खरीदा है, तो यहां पर लिखेंगे मोहन से अकाउंट, जिससे माल खरीदते हैं उधार उसका नाम यहां लिखना पड़ता है लेजर, हम उसके नाम का लेजर बना रहे ताकि हम उसको पेमेंट करेंगे तो हमें हिसाब ठीक से दिखता रहे। हो सकता है हम उसे पूरा पेमेंट एक साथ ना करें, 3 किस्तों में करें, 2 किस्तों में करें, तो मोहन के अकाउंट में बार बार देख पाएंगे कि टोटल हमने कितने का सामान उधार लिया था, कितना रुपए देना थे, कितने दे दिए, कितने और देना बाकी है, इस सब पर उसका मोहन के अकाउंट में देख पाएंगे। कैसे देखेंगे ये अपन अभी आगे सीखने वाले हैं, मोहन का कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे ताकि हम इसको फोन कर सके कोई दिक्कत आने पर, तो अपन लिख रहे हैं मोहन का कॉन्टेक्ट नंबर 999304996। एंटर प्रेस करेंगे अपन, एड्रेस भी लिख सकते हैं अपन, आगे बढ़ जाते हैं। अब मोहन से अपन ने माल खरीदा है तो ग्रुप में ये काम आएगा, हाँ अपन जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं वो अपन से भविष्य में रुपए लेते हैं तो लेनदार बनाते हैं, लेनदार मतलब क्रेडिटर, तो यहाँ लिखेंगे सैलरी क्रेडिटर भेजेगा, एस प्रेस करेंगे, सैलरी होता है विविध विविध लेनदार, तो सैलरी क्रेडिटर, और इंटर प्रेस करते हैं।
मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यदि हम बिल बाय बिल बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, हर एक बिल में दिखाई दे कि बैलेंस कितना बचा है, मोन का हमें कितना अमाउंट देना है, हर एक बार हम जब 20 रुपए दें तो मेरे समय दिखाई दे कि और कितना और देना बाकी है, तो मैं यहाँ पे यस कर दूँ, और हम नहीं देखना चाहते हैं तो दूर कर देंगे, लेकिन हमें यस करना अच्छा रहता है ताकि मैं हर एक बिल में एमबी करते समय मोन का पूरा हिसाब किताब उसका बैलेंस दिखाई दे, कितना देना या रहना बाकी है, यहाँ पर यस करें। एंटर। डिफरेंट क्रेडिट पीरियड, उधारी का जो समय है, अवधि है, वो कितनी है, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, या जो भी आएगी, देश में आएगी, अगर एक साल उधारी कर रहे हैं तो 365 ले सकते हैं, एक महीने कर रहे हैं 30 दिन, 31 डेज, इस तरह से अपन कर देते हैं उधारी 60 डेज, 60 दिन कर देते हैं, जब हम 60 टाइप करना पड़ेगा, डेज अपने आप आ जाएगा। एंटरप्राइज करेंगे, मोहन का एड्रेस लिख देंगे जहां मोहन रहता है, फिर स्टेट में लिख देंगे मध्य प्रदेश, पिन कोड डाल देंगे विदिशा का, एरिया पिन कोड 4640001, और एंटरप्राइज करते चलेंगे, और मोहन का पैन नंबर, सेंटर नंबर, बाद में पूछ के आप लिख दें, आप एंटरप्राइज कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस अभी अपन नहीं डालना है, बाद में डालना सीखेंगे। माल खरीदा है तो एक और लेजर बनाएंगे हम परचेज का, क्योंकि दो का होंगे बाय परचेज अकाउंट, तो मोहन से का तो मोहन का बन गया, अब परचेज अकाउंट बनाएंगे, एंटर पर परचेज भेज देंगे से पर, और एंटरप्राइज कर देंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, इसमें भी बैलेंस अपन निकाल देंगे। अब माल बेचा है, किसको माल बेचा है, श्याम श्याम को माल बेचा है, तो बाय में लिखेंगे अपन श्याम, अपन श्याम का लेजर बनाएंगे, श्याम से अकाउंट याद रखना, श्याम अकाउंट मत लिखना, श्याम से अकाउंट लिखना, अपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो श्याम खाता हो जाएगा, और किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति का भी खाता नहीं होता, व्यक्ति का खाता होता है, इसलिए अपन लिखते हैं श्याम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, सोहन से अकाउंट। अंडर, अंडर में कहां पर आएगा, तो देखो अपन ने श्याम को उधार माल बेचा है, तो ये अपन को भविष्य में रुपए देगा, देगा इसलिए देनदार हुआ, तो सेंट्री डेटर्स में आया। इंटरप्रेस करेंगे, यहां अपन यस कर रहे हैं ताकि हमें बैलेंस हर पेज पर दिख जाए। इंटर। उधार ये अपन कर लेते हैं 50 डेज का, 50 दिन अपन उधार कर रहे हैं, 50 टाइप करेंगे डेज अपने आप आ जाएगा, और यहां अपन श्याम की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे साथ में, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है अपनी, किराया चेक द्वारा दिया है, तो पहले हम बनाएंगे रेंट है, अपन सेल्स नहीं बनाए साहब, सेल्स नहीं बनाए, सेल्स और बना लेते हैं अपन, फिर बनाएंगे सेल्स अकाउंट, अंडर में सेल्स में ही आता है, इसके बाद हम बनाएंगे किराए के लिए, तो बना रहे हैं रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसलिए आता है क्योंकि रेंट देने और ना देने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पर आगे बढ़ जाएंगे इसको बना के इंटरप्रेट करते चलेंगे अपन। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट, इंटरप्रेट करने के बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे अपन, और बैंक अकाउंट अंडर में बैंक अकाउंट नहीं आता, तो यहां पर इंटरप्रेट करेंगे, सबसे पहला लेजर बैंक अकाउंट, और इंटरफेस का तरह नाम बदल करेंगे, बैंक की जानकारी, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक एड्रेस, ओपन फिल कर, और इंटरफेस का तरह आगे बढ़े, लेजर बन चुके हैं, अब वाउचर एंट्री करना है, एसकेप के द्वारा वापस जाएंगे अपन, तब तक एसकेप की प्रेस करेंगे जब तक गेटवे ऑफ टैली पर ना हो।